मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं। मेरी परवरिश नारायणपुर के वात्सल्य बाल आश्रम में हुई है। वो जरूर नारायणपुर ही गए होंगे, वहीं जाकर उनके बारे में कुछ पता चल सकता है। भाभी, मैं समझ गई हूँ वो कहाँ गए होंगे। नारायणपुर। एक बार उन्होंने मुझे बताया था, उनकी परवरिश वहीं एक अनाथ आश्रम में हुई थी, वात्सल्य बाल आश्रम। भाभी, वहाँ से पता चल सकता है। बच्चों जैसे बातें मत करो शालू, वो बचपन में वहाँ रहते थे, जरूरी नहीं कि वो अभी वहीं गए होंगे। पर भाभी, पता तो लगाया जा सकता है ना? और वैसे भी मैं उम्मीद का दामन तो छोड़ नहीं सकती, मुझे उन्हें ढूंढना ही है। वो मेरी खुशी के लिए मुझसे दूर गए हैं भाभी, मैं उन्हें बताऊंगी कि मेरी खुशी उनके साथ में है, उनसे अलग नहीं। मैं उन्हें ढूंढने कल नारायणपुर जाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? तुम कहाँ कहाँ भटकोगी? तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा, तुम्हारे भैया को अच्छा नहीं लगेगा, वो नाराज हो जाएंगे। नहीं भाभी, वो नाराज नहीं होंगे, वो भी तो मेरी खुशी ही चाहते हैं। जब दीपक बाबू खुद ही दूर जाना चाहते हैं तो फिर? भाभी, मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हूँ। जिनकी वजह से मुझे खुशियाँ मिली हैं, खुशियाँ मिलने पर मैं उन्हीं को छोड़ दूँ? नहीं भाभी, मैं कल नारायणपुर जाऊंगी, मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। चाय। अरे, तुम अपने लिए नहीं लाई? मन नहीं है। क्या बात है, उदास लग रही हो? जिसके दोनों बच्चों की जिंदगी भंवर में फंसी हो, उसके चेहरे पर खुशी कैसे होगी? एक तरफ सम्राट की जिंदगी मझधार में अटकी है, दूसरी तरफ हिमानी बेचारी शादी के बाद से ही ससुराल में दुख भोग रही है। पिछली बार तो मैंने किसी तरह समझा बुझाकर भेज दिया था, इस बार कैसे समझाऊं? अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं हिमानी को उन दहेज के लोभी लालची लोगों के पास फिर से भेजूं। पता नहीं क्यों भगवान बिना गलती के मेरे बच्चों को सजा दे रहे हैं। जब भी उनके बारे में अच्छा सोचती हूं, कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। श्रद्धा, ऊपर वाले का खेल हम नहीं जान सकते। हो सकता है आगे कुछ अच्छा होने वाला हो। अब क्या अच्छा होगा, बोलिए। कितनी मुश्किल से शालू को इस घर में लाने के लिए खुद को मनाया, जिद करके अनशन करके सम्राट को तैयार किया। अब जब सम्राट ने मन बना लिया, जब लगा कि इस घर में खुशी फिर से आ जाएगी,
तो पता चला कि शालू को किसी और से प्यार हो गया। गुड्डू उसकी शादी दीपक नाम के लड़के से कराना चाहता है। और तो और हमसे आशीर्वाद भी मांग रहा है वो। यही अच्छा हो रहा है। अब क्या कहूं सम्राट से, कैसे बताऊं कि शालू की शादी दूसरे लड़के दीपक से हो रही है। श्रद्धा इतना व्यग्र मत हो, आज नहीं बताओगी तो कल तो बताना पड़ेगा ही। और अगर शालू की खुशी दीपक के साथ है तो हमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए, हमें भी खुशी खुशी सहमति दे देनी चाहिए। श्रद्धा आप गलत समझ रहे हैं, मैं शालू की खुशी से दुखी नहीं हूँ, मैं तो सम्राट के दुख से दुखी हूँ। अरे क्या मिलेगा दुखी होकर, तुम अपने दिमाग पर बोझ मत डालो। अब शालू का साथ अगर सम्राट की जिंदगी में नहीं लिखा है तो ना सही, हो सकता है ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं। आप एक काम कीजिए, जाकर समझाइए हिमानी के ससुराल वालों को। वो लोग इस तरह हिमानी को सताएंगे तो कैसे रहेगी वो उस घर में। अच्छा, मैं वक्त निकालकर जाकर उन लोगों से बात कर लूंगा, लेकिन तुम अपने मन को जरा शांत रखो, शांत। आप चुपचाप यहाँ बैठे हैं, वो शालू अपना बैग पैक कर रही है जाने के लिए, आप उसको रोकते क्यों नहीं? अकेली वो कहाँ जाएगी, कहाँ भटकेगी? जाने दो आशु उसे, उसको अब रोकना ठीक नहीं है। उसके साथ उसके सच्चे प्यार की ताकत है, वो दीपक को जरूर ढूंढ लेगी। और फिर हमने भी तो उससे वादा किया था कि हम उसको दीपक से जरूर मिलाएंगे। हाँ ठीक है, पर आप उसको क्यों भेज रहे हैं? दीपक बाबू की खोजबीन आप भी तो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, उनको ढूंढ भी सकते हैं, फिर उसके बाद हम उनको समझाएं बुझाएं, वो नहीं माने तो, वो वापस आने को तैयार नहीं हुए तो, देखो आशु, दीपक बाबू बहुत स्वाभिमानी हैं, वो जल्दी वापस आने को राजी नहीं होंगे, इसीलिए हम शालू को जाने दे रहे हैं। वो उनको अपने सच्चे प्यार का वास्ता देकर मना लेगी। शालू के आंसू ही दीपक बाबू को एहसास दिला पाएंगे कि शालू उनके बगैर खुश नहीं रह सकती। लेकिन ये कोई जरूरी तो नहीं है कि दीपक बाबू उसको मिल ही जाए? तो फिर हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले उसको कोशिश कर लेने दो। देखो आशु, उसके साथ अब जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। बहुत डांट लिए, मार लिए, कमरे में बंद कर लिए, लेकिन अब नहीं, अब उसको सच्ची आजादी की जरूरत है। वो जिस राह पर जा रही है ना,
वो गलत नहीं है। बस भगवान से मनाओ कि उसको दीपक बाबू मिल जाए, शादी के लिए तैयार हो जाए, हमारी बहन का घर बस जाए। भाभी प्रणाम। प्रणाम भैया। भैया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस काम से जा रही हूं उसमें सफल हूं। शालू बहन, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुमको दीपक बाबू जरूर मिलेंगे। हाँ एक बात का ध्यान रखना, कहीं भी कोई जरूरत हो, कोई परेशानी हो, हमको तुरंत फोन करोगी, ठीक है? जी भैया। आओ। बच्चों चलो नाश्ता कर लो। आते हैं दीदी। दीपक अरे दीपक, इतने दिनों के बाद। माला दीदी। हाँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, आओ यहाँ बैठो। आराम से। और बताओ पटना की क्या हालचाल है? ब्लाइंड स्कूल में मन तो लग रहा है ना तुम्हारा? पहले अपना हाल बताइए दीदी, आप कैसी हैं? बाल आश्रम के बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है दीपक, बच्चे तो आजकल काफी खुश हैं। अच्छा, कोई खास बात है क्या? वो आजकल मेरे गांव की, मेरी बचपन की सहेली यहीं पर रह रही है। बहुत अच्छी है वो, उसके यहाँ रहने से मेरा भी मन लगा रहता है और बच्चों का भी। अरे बच्चों से तो वो काफी हिल मिल गई है। अच्छा। माला, पूजा जरा यहाँ आओ तो। पूजा ये दीपक है, इसका पालन पोषण इसी आश्रम में हुआ है, ये हमेशा यहाँ आता जाता रहता है। जब मैं यहाँ आई थी ना तब इसके बारे में पता चला। जी नमस्ते। जी नमस्ते। वो ये देख नहीं सकता है। दीपक ये पूजा है, कुछ परेशानी की वजह से हमारे साथ रह रही है, बहुत अच्छी है ये। दीदी अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे लोग ही मिलते हैं। हाँ जैसे तुम। पूजा दीपक बहुत अच्छा लड़का है, ये पटना में अंधे लोगों के स्कूल में पढ़ाता है।